हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आपका हेल्थ गुरु में स्वागत है। इस वीडियो में हम मिस कैरेज यानी कि गर्भपात की सारवार आपको सिखाने वाले। ऐसा एक सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट को ट्रीटमेंट देनी है और आप मिस कैरेज यानी कि गर्भपात की जो आपको समस्या है इनसे आप छुटकारा पा सकते हो। कई महिलाओं को बार बार गर्भपात होता रहता है। गर्भपात यानी कि गर्भाशय में जो बच्चा होता है, जो फीटस होता है, वह अगर 20 वीक से पहले ही उनका डेथ हो जाता है तो फिर उनको शरीर से बाहर निकालना पड़ता है, तो इनको गर्भपात यानी कि मिसकैरेज बोला जाता है। मिसकैरेज होने से माता को सबसे ज़्यादा दुख होता है। फिजिकल और मेंटल यानी कि इमोशनल ट्रबल सबसे ज़्यादा माता को होता है। इनके अलावा फैमिली मेंबर्स को भी इनकी तकलीफ बहुत ही ज़्यादा होती है। एक बार मिसकैरेज होता है इनके बाद शरीर को फिर से प्रेगनेंसी रखने के लिए तैयार करना पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा डिटॉक्स करना पड़ता है। इनके लिए आप फास्टिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज करके पसीने के द्वारा भी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हो। खान पीन में भी अच्छी तरीके से ध्यान रखिए। इनके साथ यहाँ पर जो मैं आपको एक्यूप्रेशर थेरापी सिखा रहा हूँ, जो सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट बता रहा हूँ, इनको भी आप थोड़े समय के लिए ट्रीटमेंट दीजिए और अपने शरीर को, अपने गर्भाशय को फिर से फर्टाइल बनाइए। नए बच्चे को रखने के लिए अच्छी जगह उनको प्रदान करिए ताकि आपकी प्रेगनेंसी पूरे महीने तक रहे और आप एक अच्छे और हेल्दी बच्चे को जन्म दे सको। तो यहां पर जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह स्प्लीन मेरिडियन का 4 नंबर का एक्यूप्रेशर पॉइंट है यानी कि SP4। तो इस वीडियो में हम यह पॉइंट का लोकेशन जानेंगे, किस तरीके से इनको दबाना है, कैसे आप मैग्नेट या तो सीर का इस्तेमाल करके यह सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट को ट्रीटमेंट देके जो गर्भपात की तकलीफ है इनसे आप छुटकारा पा सकते हो। यहाँ पर हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हमें इस जगह पर मिलता है। जान लेते हैं किस तरीके से यह पॉइंट को लोकेट करना है। हमारी जो मिडल फिंगर है, यह मिडल फिंगर के टिप पर सेंटर पर हमें एक पॉइंट मार्क कर देना है। फिर मिडल फिंगर का जो यह लास्ट जोड़ है, यह लास्ट जोड़ का मिड पॉइंट हमें मार्क कर देना है। अभी यह टिप पॉइंट और जो मिडल पॉइंट था, यह दो पॉइंट का सेंटर पॉइंट हमें मार्क कर देना है। अभी यह सेंटर पॉइंट और हमारा जॉइंट का जो मिड पॉइंट था, यह दो पॉइंट का मिडल पॉइंट हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाता है। और फिर से जान लेते हैं, मिडल फिंगर का टिप का सेंटर पॉइंट मार्क कर देना है। फिर जो लास्ट जोड़ है, यह लास्ट जोड़ का मिड पॉइंट मार्क करना है। अभी यह दो पॉइंट का सेंटर पॉइंट मार्क करना है। अभी यह जॉइंट का मिड पॉइंट और जो सेंटर पॉइंट था, यह दो पॉइंट का मिडल पॉइंट हमारा एक्यूप्रेशर पॉइंट हो जाता है। तो यह पॉइंट को लोकेट करने के बाद यहाँ पर हमें 2 मिनट के लिए इस तरीके से एक्यूप्रेशर देना है। यह पॉइंट को अच्छी तरीके से एक्टिवेट कर लेना है। इनके बाद यहाँ पर आप मैग्नेट या तो सीड थेरापी से ट्रीटमेंट दीजिए तो बहुत ही अच्छा और फास्ट रिजल्ट आपको मिल सकता है। यहाँ पर मैग्नेट थेरापी के लिए हमें इस तरीके के स्मॉल साइज के मैग्नेट का इस्तेमाल करना है। यह मैग्नेट की खासियत यह है कि इनकी सरफेस इस तरीके से वाइट होती है और एक सरफेस इस तरीके से येलो होती है। अगर येलो सरफेस हमारा जो पॉइंट है, यह पॉइंट के कॉन्टेक्ट में आती है तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है इनकी एनर्जी बढ़ती है, और अगर वाइट सरफेस हमारा जो पॉइंट है, यह पॉइंट के कॉन्टेक्ट में आती है तो यह पॉइंट के संबंधी जो ऑर्गन होता है की एनर्जी कम होती है। यहां पर हमारा जो पॉइंट है, यह पॉइंट की एनर्जी घटानी है यानी कि कम करनी है, इसलिए मैग्नेट की जो वाइट सरफेस है, यह वाइट सरफेस को इस पॉइंट के कॉन्टेक्ट में लगानी है। जान लेते हैं किस तरीके से मैग्नेट को अप्लाई करना है। आधे ही चौड़ी पेपर टेप लेनी है। यह टेप के ऊपर मैग्नेट को इस तरीके से लगाना है ताकि ऊपर से आपको वाइट सरफेस दिखे और टेप के पीछे से इस तरीके से येलो सरफेस दिखे। फिर हमारा जो पॉइंट है वह पॉइंट पर यह मैग्नेट को इस तरीके से लगा देना है। इनके ऊपर आप दूसरी टेप भी लगा दीजिए ताकि यह मैग्नेट यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपका हुआ रहे। यह मैग्नेट को आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हो, इसीलिए बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव आपकी ट्रीटमेंट
हो जाती है। यह मैग्नेट को आप पूरा दिन लगा के रख सकते हो, या तो फिर रात को लगा दीजिए, सुबह इनको निकाल दीजिए, या तो दिन में 6 से 8 घंटे लगा के रख सकते हो। अगर आपके पास यह मैग्नेट अवेलेबल नहीं है तो आप सीड थेरापी से भी यह पॉइंट को ट्रीटमेंट दे सकते हो। यहाँ पर सीड थेरापी के लिए हमें स्मॉल साइज के सीड्स का इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारा जो पॉइंट है वह स्मॉल साइज का है। इसीलिए यहाँ पर आप मूंग के दाने ले सकते हो, या तो फिर फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाने ले सकते हो, या तो फिर कोई दूसरे सीड्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं यहाँ पर मेथी दाने ले रहा हूँ। मेथी दाने आपको डाइजेशन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, इसीलिए मेथी दाने आपको यूज़ करना चाहिए। यहाँ पर आपको आधे ही चौड़ी पेपर टेप लेनी है, इनके ऊपर थोड़े से मेथी के दाने लगा दीजिए। फिर हमारा जो एक्यूप्रेशर पॉइंट है वह पॉइंट पर यह दानों को इस तरीके से चिपका दीजिए। इनके ऊपर आप दूसरी पेपर टेप लगा दीजिए ताकि यह सीड्स यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपके हुए रहे। मैग्नेट की तरह ही यह सीड्स को भी आप पूरा दिन लगा के रख सकते हो, या तो फिर रात को लगा दीजिए, सुबह इनको निकाल दीजिए, या तो दिन में 6 से 8 घंटे लगा के रख सकते हो। अगर आप दिन में लगा रहे हो और आपके पास टाइम है तो हर एक घंटे 1 मिनट के लिए यह सीड्स को इस तरीके से एक्यूप्रेशर दे सकते हो, तो बहुत ही अच्छा और फास्ट रिजल्ट आपको मिल सकता है। पर मैग्नेट की तरह यह सीड्स को आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि सीड्स में हीलिंग पावर होता है, जर्मिनेटिंग एनर्जी होती है, जो कि हमारा डिसीज है उनको हील करने में यूटिलाइज्ड हो जाती है। इसीलिए फिर यह सीड्स हमारे कोई काम के नहीं रहते। दूसरी बार ट्रीटमेंट के लिए हमें नए सीड्स इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पर हमने यह सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट का लोकेशन जान लिया, किस तरीके से इनको दबाना है, कैसे आप मैग्नेट या तो सीड थेरापी से यह सिंगल एक्यूप्रेशर पॉइंट को ट्रीटमेंट देके मिसकैरेज यानी कि गर्भपात की जो समस्या है इनका इलाज घर पर ही बिना किसी दवाई के कर सकते हो। तो आशा रखता हूँ कि आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो यह वीडियो को लाइक जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि सभी को हेल्प मिल पाए। और ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।